अरविंद यादव, आज फिर से नए वीडियो के साथ क्लास टेंथ के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, कक्षा 10 का टॉपिक होगा ये। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, मानव में लैंगिक जनन की बात करें अगर हम, तो जैसे कि ये एक स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्शन है, एक विशेष प्रकार का जनन है। इसमें जीव में जो नई प्रोजनी बनती है, जो नई संतति बनती है, वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल भिन्न होती है। भले ही हम लोगों का डीएनए जो है वो 99.9% समान होता है, इक्वल होता है, एक जैसे होता है, फिर भी वो 0.1% जो, यानी कि हम कह सकते हैं फिजिकली और जेनेटिकली दोनों रूप में ये अपने पेरेंट्स से भिन्न होती हैं। अब जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, तो इसमें क्या होता है कि जो इनमें पहला फंडा देखें, इनमें दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है, जनक की आवश्यकता होती है। तो दो विपरीत जनक का मतलब ये हो गया इसमें, एक जो है वो नर होता है और दूसरा जो है वो मादा होती है इसमें। तो यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है, जिनके युग्मकों के संलयन से एक द्विगुणित कोशिका बनती है, द्विगुणित टोटिपोटेंट सेल बनती है, जिसे हम लोग जायगोट कहते हैं। और उस जायगोट से एक नए जीव का, एक नए प्रजनन का, जैसे हम लोग हैं, इनका विकास होता है। अब ये सीधा मतलब है कि लैंगिक जनन जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, तथा इनसे बनने वाली संतति आनुवांशिकी शारीरिकी, इन आनुवांशिकी और शारीरिकी रूप में अपने पेरेंट्स से, अपने जनक से भिन्न होती हैं। इसे लैंगिक जनन कहते हैं। और लैंगिक जनन के बारे में अगर हम समझें यहाँ पर थोड़ा से, देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो पहले तो हम ये जानें कि जो ह्यूमंस होते हैं यानी कि मानव, तो मानव में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र, वो 46 होते हैं, मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं ये। और ये 46 गुणसूत्र जो हैं, ये अब ध्यान रखना है, एक कोशिका में यानी प्रत्येक सेल में 46 गुणसूत्र होते हैं। तो मानव के शरीर में तो बहुत सारी कोशिकाएं हैं, लाखों करोड़ों मिलियन ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं, तो एक कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं। और इन 46 गुणसूत्र की जो लेंथ होती है, लेंथ वो 2.2 मीटर के लगभग होती है, इतना, मतलब 46 गुणसूत्र की जो लेंथ है वो इतनी होती है। तो बाकी पूरे शरीर की डीएनए की लंबाई, गुणसूत्र की लंबाई देखनी हो तो वो तो आपका भाई मान के चलो कि अगर मिलियन ट्रिलियन सेल है, मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो बहुत लंबी हो जाएगी। यानी कि आप पृथ्वी से आकाश तक का 100 चक्कर का आवागमन लगा सकते हैं वहाँ पर, तो इतनी लंबी ये हमारा गुणसूत्र होता है। अब इसी में देखें कि जो मानव की कोशिका है, ह्यूमन सेल जो है, मानव की कोशिका, ह्यूमन सेल, ये कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड होती है यानी कि इसका मतलब हो गया कि ये द्विगुणित होती हैं, ठीक है, द्विगुणित होती हैं। अब द्विगुणित होने का मतलब कैसे हुआ, कि मतलब द्विगुणित यानी डिप्लॉयड यानी 2n इनको क्यों कहा गया। देखिए जैसे मान लो हम हैं, खुद का अपना का एग्जाम्पल रखते हैं, दूसरे का एग्जाम्पल क्यों, अपने एग्जाम्पल में ये रखें कि मान लीजिए, देखिए 2n का मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में या जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो जनक जो है माता पिता, वो डिप्लॉयड होते हैं,
यानी उनकी जो कोशिका होती है वो कायिक कोशिका होती है, वेजिटेटिव सेल होती है, और हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं कैसी होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। तो डिप्लॉयड कोशिका है, उस कोशिका को कहते हैं कि वो वेजिटेटिव सेल यानी कि कायिक कोशिका है, कायिक कोशिका। और इस कायिक कोशिका में हम कहते हैं कि मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन यानी अर्धसूत्र विभाजन होता है। तो ये यन बना लेता है, यानी टू यन से यन, मतलब हम ये कहें दो रुपए से एक रुपए का बनना, मतलब दो रुपए था और ये अब एक रुपए होगा, इसका मतलब आधा हुआ है ना। तो आधा होने की प्रक्रिया क्या है, अर्धसूत्र विभाजन है, मियोसिस डिवीजन है ये। तो यहाँ पर जो ये मियोसिस डिवीजन से जो अब ये बनती, जो सेल बनी उसका नाम होता है गैमेट, युग्मक कहते हैं उसको। तो ह्यूमन सेल द्विवृत्त कोशिका होती है, ठीक है, वेजिटेटिव सेल कहते हैं उसको। अब यहाँ पर जो सेल है यानी कि 23 गुणसूत्र फीमेल से और 23 गुणसूत्र मेल से, अब ये भी यन है, ये भी यन, तो ये दोनों मिलकर के 2n बना लिए और 23 ये मिलकर के 46 गुणसूत्र हो गए। अब एक कोशिका में क्या हो गया, 46 गुणसूत्र हो गए शुरुआत में, अब हम लोग 46 गुणसूत्र वाले हो गए, एक कोशिका में 46 गुणसूत्र। तो इसलिए अब ये जब आधा था तो n था, अब जैसे 23 क्या हो गया 46, अभी क्या हो गया 2n हो गया, गुणसूत्र की संख्या हम कहते हैं डिप्लॉयड हो गई, मतलब ये द्विगुणित हो गई, जोड़े में हो गए गुणसूत्र। तो ये ऐसा हो गया। तो अब हमें ये देखना है कि लैंगिक जनन की जो विधि है वो उससे क्या क्या हमें सिस्टम, क्या जनन की सबसे अच्छी विधि भी लैंगिक जनन को कहा जाता है। तो मानो कि प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 46 होगी। अब 46 और उन 46 गुणसूत्रों की जो लंबाई है वो 2.2 मीटर के अप्रॉक्स होती है, लगभग होती है। अब फिर अगले टॉपिक की बात करें, अगली लाइन में देखें कि जो ह्यूमन सेल है यानी मानव की सभी कोशिकाएं कैसी होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं, द्विगुणित होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, वेजिटेटिव सेल यानी कायिक कोशिका कहा जाता है। बट परंतु जिस कोशिका से गैमीट बनता है यानी जिस कोशिका से युग्मक बनेगा उसे रिप्रोडक्टिव सेल कहेंगे, यानी कि उसे जननी कोशिका कहते हैं हम लोग। आइए आगे देखते हैं क्या होता है यहाँ पर, रिप्रोडक्टिव सेल किसे कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात है, आप ये रिपीट करें एक बार, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है, जिसमें एक मेल तथा एक फीमेल होती हैं, यानी एक नर और दूसरा मादा होती हैं। अब इसमें क्या होता है, इनके युग्मकों के संलयन के बाद एक द्विगुणित कोशिका बनती है जिसे जायगोट कहते हैं, और उस जायगोट से एक नए जीव का, एक नई संतति का विकास होता है, नई संतति बनती है, और वो संतति अपने पेरेंट से भिन्न होती है, यानी कि उसमें एवोल्यूशन यानी विकासीय लक्षण पाया जाता है, नया करेक्टर मिलता है। इसलिए लैंगिक जनन को जनन की सबसे अच्छी विधि माना जाता है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है, जनन की सबसे अच्छी विधि किसे माना जाता है, तो लैंगिक जनन को जनन की सबसे अच्छी विधि मानते हैं। अब यहाँ पर आपको हम ये बताएं, जैसे कि आपने देखा मानव में अगर नर की बात कर रहे हैं और फिर यहाँ पर हम कहें कि मादा की बात कर रहे हैं, तो ये 2n है यानी कि द्विगुणित है, 2n का मतलब इसमें 46 गुणसूत्र है, प्रत्येक सेल में 46 गुणसूत्र है, इसलिए इसको कहा गया 2n। तो मानव में जो जनद होते हैं, गोनाइड इसे बोलते हैं, गोनाइड यानी कि जनद, तो जनद का मतलब ये हुआ कि जहाँ से जिस सेल से गैमेट बनता है, युग्मक बनता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल। तो मादा में वो सेल का नाम क्या होता है, उसे बोलते हैं अंडाशय, ठीक है ना, अंडाशय कहते हैं। तो इसका मतलब अंडाशय कैसी है, द्विगुणित है, और द्विगुणित। अब इस अंडाशय को कौन सी सेल बोल देंगे, भले ही वो मानव की प्रत्येक कोशिका
वेजिटेटिव है, कायिक कोशिका है, लेकिन जिस सेल से युग्मक बनेगा उसे हम लोग रिप्रोडक्टिव सेल कहेंगे। यानी ये जो आपका अंडाशय है फीमेल का, ये हो गई आपकी रिप्रोडक्टिव सेल, यानी इसको क्या बोलेंगे, जननिक कोशिका। ठीक है ना, जननिक कोशिका कहते हैं। ये बात बिल्कुल समझ में आनी चाहिए भाई, जननिक कोशिका हो गई। अब इसी तरह से मेल में क्या होता है, मेल में क्या होता है, टेस्टिस होता है, यानी कि वृषण होता है। ठीक है ना, वृषण, तो वृषण भी कैसी कोशिका हो गई, रिप्रोडक्टिव कोशिका हो गई, ये भी रिप्रोडक्टिव सेल हो गई। अब इनमें क्या होगा, अब भाई ये भी द्विगुणित है, ये भी द्विगुणित है, अंडाशय भी द्विगुणित और वृषण भी द्विगुणित, इनकी जो सेल है वो भी द्विगुणित है। तो इन दोनों के बीच में हम क्या लिखते हैं, इनमें क्या होगा, अब मियासिस डिवीजन होगा। ठीक है, मियासिस डिवीजन। तो मियासिस डिवीजन का मतलब क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि 2n से n का फॉर्मेशन जो होता है वो मियासिस हो गया। यानी 2 रुपए से 1 रुपए का निर्माण क्या हुआ, 2 रुपए में 2 रुपए था, अब क्या हो गया, 1 रुपए हो गया, इसका मतलब ही आधा हुआ। तो अब ये 2n सेल है वृषण और अंडाशय 2n है, इससे जो सेल बनेगी वो बनेगी युग्मक बोलेंगे उसको। ठीक है ना, युग्मक। तो युग्मक कैसे हो जाएगा, यन हो जाएगा, इसमें भी क्या होगा, युग्मक बोलेंगे इसको। ठीक है, वो भी कैसा होगा, यन होगा। अब आपके ध्यान में ये आना चाहिए कि युग्मक मियोसिस डिवीजन के उपरांत जो सेल बनी, अगुणित कोशिका बनी, उसे आपने कहा कि युग्मक है। तो अगर ये द्विगुणित कोशिका है, इसमें गुणसूत्र कितने होंगे भाई, 46, इसमें कितने होंगे, 46, 46 गुणसूत्र। अब जब ये मियोसिस डिवीजन हो गया, मतलब मियोसिस का मतलब आधा हो गया, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे भाई, 23 गुणसूत्र, और यहाँ पर कितने हो गए, 23 गुणसूत्र। अब एक बात ये ध्यान में आनी चाहिए आपको कि ये जो युग्मक है, यानी कि मादा युग्मक को नाम क्या देंगे, क्योंकि युग्मक तो भाई दोनों के लिए कॉमन बात है, तो मादा युग्मक को क्या बोलेंगे हम लोग, ओबम बोलेंगे। ठीक है ना, ओबम का मतलब अंडाणु कहते हैं इनको। ठीक है, अंडाणु। और जो इसमें होगा उसको क्या बोलेंगे, स्पर्म, यानी इसको कहेंगे शुक्राणु। ठीक है ना, ये शुक्राणु बन गया। अब